समय वो याद हुआ वो बोर्सी साला जो पता था ना वो सर ने बताएगा। नमस्ते सर जी। नमस्कार। हाय दोस्तों, आप सभी लोग को स्वागत करता हूँ। लेकिन आज कुछ देखने के लिए आया मैं यहाँ पर, लेकिन हमारे यहाँ पर बर्स चला गया, लेकिन यहाँ पर बंसी खेला होगा। लेकिन मैं जीजाजी के साथ आया था। ये है जीजाजी मेरा, अभी ये है जीजाजी का दोस्त है, ये कुछ लेता है लेकिन वो बच्चे लोगों को, लेकिन कुछ अभी टिप टिप ऐसा ले रहा है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहा है इधर से बर्सी खेला होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, लेकिन आदमी बहुत आ गया देखने के लिए, हम भी आया। लेकिन आप लोग मेरे वीडियो को एंड तक देखते रहो। ये मेरा टीचर, अभी नमस्ते सर। अभी वो सर ने लेकिन वो फूल वगैरह कुछ दुकान अभी दे रहा है, फूल लेके बैठ रहा है। नहीं है अभी क्या करूँगा, इसलिए फूल लेके बैठा हूँ। कोई कस्टमर आएगा तो बेचेंगे, बेचेंगे तो बहुत है ठीक है। लेकिन वो सर ने लेकिन टीचर काम करते तो भी घर में कुछ नहीं बेच रहा है, लेकिन जब सुबह में जाता है लेकिन और घर में शाम तक आता है, लेकिन ऐसा कुछ व्यापार भी कर रहा है, लेकिन घर में ऐसे टाइम नुकसान नहीं करता है वो सर ने। बहुत अच्छा लग रहा है मैं, थैंक यू सो मच सर। ये जीजा जी का दोस्त है, उन लोगों को साथ में आया। ये मैं भीतर तक आ गया, लेकिन यहाँ पर हो रहा है बर्सी खेला। बर्सी खेला यहाँ पर होगा, लेकिन इधर थोड़ा बाउंड्री कर रहा है, क्योंकि अभी सब लोग यहाँ पर आ जाएगा ना, इसलिए जाम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऐसा बांध के रखा है। यहाँ पर पूजा कर रहा है, ये देखो आप लोग। Thank you.
धनी बोलो
ओए एक মানে পাশতে আমি তেখেতক আমি আমার যে আজি মানে যুদ্ধ আপনার মানে কার্যক্রম সেই কার্যক্রমত আমি উপনীত হম। গতি সকল রাইজের সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করল যাতে আমার এই আজি যুদ্ধ কার্যসূচী যাতে সফল হয় তার কামনা করল রাজবাসী। ধন্যবাদ ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। सर जी ने मेरे को लिखे गया था, थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दिया। वो जो बच्ची खेला होता है ना, वो जो आदमी को बच्ची खेला पड़ेगा ना, उसके लिए आप लोग को थोड़ा सा दिखा दिया। यहाँ पर जो बर्सी खेला यहाँ पर बोल दिए है, लेकिन उन लोगों में थोड़ा सा पूछेगा बर्सी खेला क्यों पड़ता है, लेकिन उन लोग आसानी से बोलेगा। लेकिन मेरा क्या नहीं आते ना हिंदी, तो फिर सर नमस्कार। बर्सी खेला क्यों पढ़ा है? बर्सी खेला तो यू हमारे परम्परा होता है कि हमारे जो है बर्सी खेला होता है शिवर आराधना माध्यम বিভিন্ন ভগবানে পূজা করেছে। আমার যেন বলবম শিবরাত্রি ঠিক এই সপ্তাহ আজির দিন একসপ্তাহ ধরে কেউ পূজা আরাধনা করে আমার গঙ্গারি সম্প্রদায় মানে এটা ঐতিহাসিক, কিন্তু আগর পরা চলে আছে আর এটা গান বজায় করা চলে আছে। আর আজের দিন এটা হল সাধনা, মানে আজ মানব উৎসর্গ করে দিয়া এখন মানব মানে স্বরূপ পূজার নিজের মানে মনটা যাতে শিবর কারণে শিবর কারণে নিজের জীবনটা জ্ঞান করে যাতে বলিদান করিবর কারণে আগবাড়ি আহিব, এইটো হৈছে এই পূজার তাৎপর্য। শিবর হৈছে আরাধনা, শিবক আমি ভাল পাওঁ, শিব আমার ভগবান, সেইটো কারণে এই পূজার তাৎপর্য। তার কারণে আমি ইয়াত সমবেত হৈছো। পঢ়িছে সাৰে কিহৰ কাৰণে কৰা হয় পাতা দিয়া সাৰ দিনে বহুত ঠিক কৰিছো। আমাৰ আপোনাৰ সময় দিয়ে আপ থোৰা চা আমি কো পাতা দিয়া, থেংক ইউ সো মাছ আপকে লিয়ে नमस्कार। विश यू ऑल हैप्पी सड़क पूजा टू ऑल ऑफ यू। हम लोग क्या है ना, जब बच्चे थे तब से हम लोग पता है कि सड़क पूजा आज के दिन के लिए हम लोग बेहतर से हम लोग मतलब इंतजार करता था कि
हाँ, ये आज होने वाला है सड़क पूजा। छोटा उम्र में हम लोग को जलेबी खाने का ये जो घुमाता है, ये इतना एक मतलब आश्चर्यचकित करने वाला चीज है। हम लोग छोटे से देखते आए हुए, ये आज बरसला, ये हम लोग का जो सरितपुर डिस्ट्रिक्ट का बरसला बोल के एक छोटा सा गांव है, यहाँ पे 100 साल से पहले से ये हो रहा है, ये हम लोग ट्रेडिशनली मना रहे हैं। यहाँ पे ये सिर्फ बंगाली संप्रदाय के साथ ये एसोसिएटेड नहीं है, हम लोग बंगाली, नेपाली, आसामीज, हर कोई यहाँ पे आके ये चीज को हम लोग एक बढ़िया से मजा लेते हैं ये चीज हम लोग। और एक मान्यता ये भी है क्योंकि ये जो बंगाली संप्रदाय के लोग जो फिशरी लाइन में जो वो लोग रहते थे, मछली का जो ये लोग का व्यवसाय के साथ जड़ी थे, मालोदास बोल के एक टाइटल होता है, तो वो लोग बांग्लादेश से 200-100 साल से पहले जब आए थे वहाँ से, वहाँ पे भी ये प्रचलन था। और ये चीज जब हम लोग यहाँ पे आए हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि हम लोग ने इनडायरेक्टली जो मछली को हम लोग निकाल के खाते हैं, तो उसके ऊपर में भी उसके ऊपर में हम लोग भी खुद को एक पनिशमेंट है, तो वो मछली का वो करके खुद को मछली का जैसा निकाल के लोग पूरा घुमाता है। ये बहुत बड़ा चीज है, ये अभी देखिए आप उसको बैक करो बैक। आगे गेले आहे सर, आगे गेले सर, आराम।